मध्य प्रदेश का बजट आज पेश होने वाला है, इस पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। यह बजट जनहित का बजट होगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट होगा और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लिया है और उसी अनुरूप आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत होगा। मैं ये कह सकता हूं कि यह जनहित का बजट होगा, इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये सारी बातें बजट पेश होने के बाद ही मैं करूंगा, प्रेस में उस समय बात करूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बजट आने वाला मध्य प्रदेश का जनहित का बजट होगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट होगा। थैंक यू। तो जनहित का बजट होगा और जनता की भावनाओं के अनुरूप ये बजट होगा, कहना है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का। उसको किस तरीके से राहत देना है उसको लेकर बजट में प्रावधान किए हैं। मैं इतना कह सकता हूं और अभी बहुत आराम से बहुत जल्दी अब आपके सामने बजट पेश होगा 11 बजे। सर आम जनता के लिए बजट रहेगा पूरा? बिल्कुल, यह पूरा आम जनता का बजट होगा। इतनी राहत सर आम जनता को रहेगा इस बार? सर आम जनता को इस बार राहत रहेगा सर? पूरा आम जनता का बजट होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता का बजट होगा। ये देख सकते हैं आप तौर पर कहना है जनता किससे जुड़ा बजट है, जनता का हितैषी बजट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके हाथ में एक ब्रीफकेस भी है और कह सकते हैं कि ये 7.5 करोड़ जनता की योजनाओं का वो प्रदान सम्मान होगा, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, सभी का। सभी सर माना जाए लाड जाएगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ लेकिन बजट जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट होगा। और परिजन भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, इस तरीके से आज शुभकामनाएं दी उन्होंने देते हुए रवाना किया है। तो कुल मिलाकर वित्त मंत्री जयंत बलिया, वित्त मंत्री माफी चाहूंगा करे और प्रदेश की जनता के ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहे, सब स्वस्थ रहे और खुश रहे और कोरोना का पूरी तरह समाप्त हो जाए। कोरोना साफ तौर पर कोरोना के समाप्त होने के बाद जो बजट का प्रावधान है उसमें जन हितैषी बजट की बात की है, महिलाओं को फोकस किया है, किसानों को फोकस किया है, युवाओं के रोजगार देने की बात करी है। सर विशेष तौर से सर आराम से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ रहेगा बजट में खास? आने वाला बजट जनता के हित का बजट होगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को पूरा करेगा और सभी वर्गों का इस बजट में विशेष तौर से ध्यान रखा जाएगा। धार्मिक धार्मिक सारी बातें बजट प्रस्तुत करने के बाद हम करेंगे। धार्मिक आयोजन को लेकर बजट बढ़ाया जा रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बजट अच्छा बजट है, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट रखा जाएगा और अभी 11 बजे आप सब लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ये सारी बातें मैं बजट प्रस्तुत करने के बाद उम्मीद करें कि नया कोई टैक्स नहीं। मैंने कहा कि जनता की भावना का पूरा सम्मान होगा। उम्मीदों का बजट, पूरी उम्मीद, जो जनता को उम्मीद है इस मध्य प्रदेश सरकार से वो पूरी उम्मीद करेंगे। किसान एक बड़ा मुद्दा रहा, सभी वर्ग आ गए, किसान, महिलाएं, नौजवान, बच्चे, कृषि पर सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहलू का ध्यान रखा जाएगा सर, किस तरीके से जो खास तौर से आज के लिए बजट बोल दिया ना उन्हीं सारा किए करके जो सोच रही है मध्य प्रदेश सरकार के बारे में और जनता का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अटूट विश्वास है। सो मैं एक के लिए करूंगा। सूरज हम सुन रहे थे किस तरह से जगदीश देवड़ा ने कहा कि उम्मीदों का बजट है, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और खास बात ये कि यहाँ पर चाइल्ड बजट भी होगा। जी तो तमाम बड़ी बातें जगदीश देवड़ा ने कही।
उम्मीदों का बजट, हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा जाएगा। किसान, महिलाएं, तमाम ऐसे वर्ग जिनको उम्मीदें हैं सरकार से कोरोना काल के बाद, जिन्हें आशा है कि मध्य प्रदेश का ये जो बजट है वो उनके लिए बड़ी सौगात लेकर आएगा। इन सभी उम्मीदों पर ध्यान रखा गया है, इन सभी उम्मीदों पर अमल कर ही इस बजट को तैयार किया गया है, कहना है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है, बजट में हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश पहुंचेंगे जहां पर वह जी सूरज तो स्वरोजगार के अवसर और किसानों की आय दोगुनी करने पर इस बजट में फोकस हो सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किस वर्ग को साधने के लिए सबसे ज्यादा तैयारी इस बजट में देखी जा रही है। अगले साल तक 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर भी इस में जोर हो सकता है। आपको हम लगातार बता रहे हैं मध्य प्रदेश का बजट जो पेश होगा उसमें किस किस पर फोकस हो सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के रोजगार के लिए अलग से योजना का प्रावधान हो सकता है। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश जी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, उनके हाथ में मध्य प्रदेश का वो बजट जिससे उम्मीदें जुड़ी हैं मध्य प्रदेश की जनता की। ब्रीफकेस आप देख पा रहे हैं, इसमें है मध्य प्रदेश का वो बजट जो आगे विकास की राह पर मध्य प्रदेश को और सशक्त करेगा, ऐसी उम्मीद हर वर्ग को है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी यहां पर मौजूद थे, तमाम बड़ी बातें उन्होंने बजट को लेकर कही। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट के द्वारा सरकार की तरफ से की जाएगी। कृषि के जरिए युवाओं को रोजगार देने पर फोकस रहेगा, साथ ही 5 रुपए किलो गोबर खरीदने जैसी योजनाएं भी इस बजट में हो सकती हैं। लाडली लक्ष्मी योजना पर भी पूरा पूरा ध्यान, उधर सीएम उद्यम क्रांति योजना का भी इसमें ऐलान किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदें पूरी इस बजट से लगी हुई, 2,60,00,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। बजट में हर वर्ग को साधने की पूरी पूरी कोशिश, किसान, महिलाएं, युवा, बच्चे, चाइल्ड बजट भी इस बार पेश किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब चाइल्ड बजट सरकार पेश करने वाली है, तो क्या कुछ खास होगा इसमें, ये लगातार आपको बंसल न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश, स्वरोजगार के अवसर और किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार का फोकस इस बार इस में देखने को मिल सकता है। अगले साल तक 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद राहत भरा समय मध्य प्रदेश महसूस कर रहा है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी गई और उम्मीद है हर वर्ग को सरकार से कि उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ खास इस बजट के द्वारा निकलकर सामने आएगा। लाडली लक्ष्मी योजना जिसका जिक्र किया जा रहा है, सीएम उद्यम क्रांति योजना जिसका ऐलान किया जा सकता है, तमाम बड़ी बातें इस बजट से जुड़ी हुई आपको लगातार हम दिखा रहे हैं बंसल न्यूज पर। ये उस वक्त की तस्वीरें जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को लेकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे और उम्मीद जनता की इसी बजट से, इसी ब्रीफकेस से कि इस ब्रीफकेस में बंद है मध्य प्रदेश की आर्थिक किस्मत, जो कि आने वाले समय में कुछ ही घंटों बाद दिखाई देगी। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर बाद के पीछे पीछे हैं, बजट पेश किया जाएगा जी। तो आपको बता दें लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के सामने मध्य प्रदेश की आर्थिक किस्मत खुलेगी, यानी कि मध्य प्रदेश का बजट, उम्मीदों का बजट मध्य प्रदेश की जनता के सामने होगा। चाइल्ड बजट भी इस बार पेश करने वाली है सरकार। सहयोगी सूरज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, सूरज आप सुन पा रहे हैं हमें? देश के वित्त मंत्री जयंत माफी चाहता हूँ मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट का पिटारा लेकर घर से निवास से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वह मंत्रालय पहुंचेंगे। जिस तरीके से उनसे बातचीत हुई, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश का जो बजट होगा वो जनहितैषी होगा, जन कल्याणकारी होगा, हर वर्ग को उसमें ध्यान रखा गया है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, हर उस वर्ग का ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा भारत मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से कामकाज किया जा रहा है, चाहे स्ट्रीट वेंडर को लोन देकर 10,000 रुपये का लोन देकर उन्हें
आजीविका चलाने के लिए पैसा दिया गया हो, ताकि वो छोटे मोटे रोजगार जो सब्जी के ठेले लगाते हैं, फुल्की के ठेले लगाते हैं, चाट चौपाटी लगाते हैं, से लेकर जो युवा रोजगार के तहत 5 लाख से 50 लाख तक का लोन सरकार देती है उसको लेकर भी जिस तरीके से सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, छोटा रोजगार हो, बड़ा रोजगार हो, उद्योग धंधे हो या वो कोई गुमटी लगाने वाला हो, सभी लोग किस तरीके से अपना रोजगार कर स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, यही सारी चीज़ें इस बजट में रहने वाली हैं। खासतौर से लाडली लक्ष्मी पार्ट टू योजना की बात करें तो माना जा रहा है कि लाडली लक्ष्मी पार्ट टू योजना का भी इसमें ध्यान रखा गया है कि खासतौर से बजट का प्रावधान किया जा रहा है कि हर साल 5,000 रुपये प्रति लाडली लक्ष्मी को दिया जाएगा। इसके साथ ही खासतौर से जो मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे महिला बाल विकास के कामकाज को लेकर हो, पोषण आहार को लेकर हो, महिला स्व सहायता समूह की यदि बात करें तो उनपे भी किस तरीके से स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उनको किस तरीके से सशक्त करना है, आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री बजट का पिटारा लिए, यानी कह सकते हैं वो बैग लिए हाथ में, अब से कुछ ही देर में सदन के अंदर पहुंचेंगे, बिरला मंदिर वो पार कर चुके हैं, तो चंद दूरी में ही सदन की दूरी बची हुई है और माना जा रहा है कुछ देर बाद ही करीब 9:30 का समय हो चुका है, 9:45 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक है जिसमें इस बजट पर मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद विधानसभा में वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा इसे पेश करेंगे। तो कह सकते हैं कि 11 बजे मध्य प्रदेश की जनता को क्या कुछ मिल रहा है यह जानकारी आपके सामने होगी। बंसल न्यूज पलपल की खबर दे रहा है कि जिस तरीके से वो अपने निवास से निकले और उन्होंने बातचीत भी की कि जन कल्याणकारी बजट होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि खासतौर से किसान, युवा, हर वर्ग आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से सशक्त हो, शारीरिक रूप से सशक्त हो, हर प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। किसानों की बात करें तो किस तरीके से किसानों को सिंचाई के लिए ऋण उपलब्ध कराना है, मशीनरी उपलब्ध कराना है, नई तकनीक यानी जिस तरीके से ड्रोन तकनीक आ रही है उससे किस तरीके से किसान उर्वरक जो पदार्थ हैं उनका छिड़काव कर सकते हैं, कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, तो ड्रोन को लेकर भी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। इसके अलावा बात करें सिंचाई की संख्या बढ़ाना है तो करीब 3 लाख हेक्टेयर जमीन ज़्यादा सिंचाई हो उसको लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है। तो यही वजह है कि आज आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंत्रालय विधानसभा पहुँच गए हैं और कुछ ही देर में अब वो बिल्कुल सूरज तस्वीरें हम देख पा रहे हैं विधानसभा में एंटर कर चुके हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। सूरज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद बजट जो है वो पेश किया जाएगा, मिलेगा, करोड़ों जनता उनका इंतजार कर रही है। आप देख सकते हैं ब्रीफकेस उनके हाथ में है, ये ब्रीफकेस है, 7.5 करोड़ जनता को पिटारा। सर आज पूरी प्रदेश की जनता आस लगा है आपसे, क्या कुछ मिलेगा? बात हो गई अपनी, सर 7.5 करोड़ जनता की आस आपके? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पे खड़ा। तो बिल्कुल ये वो ब्रीफकेस है जहां पर प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता की विकास योजनाओं पर आज, सर क्या कुछ मिलेगा? 1 घंटे का बस इंतजार है, आपकी उम्मीदों के अनुरूप बजट होगा, जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा, इस बजट में कोई कमी नहीं रहेगी। सर खासतौर से किसानों और महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है, आने वाला बजट सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जनता की भावनाओं के अनुरूप यह बजट होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम पूरा करेंगे। सर 2 साल कोरोना का समय रहेगा, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगेगा? पीछे 2 साल से कोविड का काल था, ऐसे में माना जा रहा है कोई नया टैक्स नहीं लगेगा जनता पर? नहीं, मैं कह सकता हूं कि बजट अच्छा आएगा, आप चिंता न करें, बजट अच्छा आएगा। सर लाडली लक्ष्मी पार्ट टू योजना में भी बजट का प्रावधान किया जा रहा है माना जा रहा है, धार्मिक योजनाओं को भी बढ़ाया जा रहा है, ये सारी बातें अभी बजट जब प्रस्तुत होगा उसके बाद ही अपन करेंगे। तो बिल्कुल 7.5 करोड़ तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से बंसल न्यूज ने की है और उन्होंने कहा है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा मध्य प्रदेश का ये बजट और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलकियां भी इस बजट के जरिए हमें देखने को मिलेगी। हमारे सहयोगी सूरज जिन्होंने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से बात की, उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही है, कहा है कि उम्मीदों पर खरा उतरेगा, जनता के अनुरूप ही इस बजट को तैयार किया गया है और बिल्कुल भी हताश नहीं होने देंगे जनता को, जिस
जनता को इस बजट से तमाम उम्मीदें हैं वो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगी। आपको बता दें कि 2,60,00,000 का माफ कीजिएगा 2,60,00,000 का ये बजट हो सकता है। आपको बता दें कि बजट में हर वर्ग को साधने की पूरी पूरी कोशिश और 2,00,00,000 से ज्यादा का ये बजट। आपको बता दें कि स्वरोजगार के अवसर और किसानों की आय दोगुना करने पर फोकस। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा। उससे पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक जिसमें इसे मंजूरी दी जाएगी।